इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आज आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है वो भी एक हिप्नोसिस की टेक्निक के ऊपर है कि कैसे हम हिप्नोसिस के थ्रू हम अगर अपने माइंड को कोई कमांड देते हैं, हम अपने माइंड को कोई सजेशन देते हैं तो माइंड उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। उसी को ही समझाते हुए एक छोटी सी टेक्निक हमने इस वीडियो में आपके लिए बनाई है। जो ये टेक्निक है ये हमारे स्टूडेंट्स ने आपस में प्रैक्टिस करते समय बनाई है, तो साउंड थोड़ी अनइवन हो सकती है, लेकिन हम कोई बिना समय कोई गवाए सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो टेक्निक थी उसके अंदर क्या हमने टेक्निक यूज़ करी है। हिप्नोसिस की जो टेक्निक है किन किन बातों का ध्यान रखा है, प्लस जो वो टेक्निक करी है उसका मेन पर्पस क्या है, क्यों वो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए वो पूरी टेक्निक को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ साथ जब टेक्निक आप देख लेंगे तो उसके बाद टेक्निक में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन किन बातों को फॉलो किया गया है, वो सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मैं उस टेक्निक के बाद बताऊंगा। आप वो पॉइंट देख रहे हैं उस पर फोकस करिए, बीच के ब्लैक डॉट पे फोकस करना है। वेरी गुड, फोकस करिए। फोकस के साथ तीन लंबे सांस लीजिए। तीन लंबे सांस लेने के बाद इसका एक मेंटल इमेज अपनी थर्ड आई पे बनाएं। क्लोज योर आईज, नॉर्मल सांस ले एंड वॉच योर ब्रीथिंग। वेरी गुड, फोकस ऑन योर पॉइंट थर्ड आई, मेक द मेंटल इमेज ऑफ दैट पॉइंट एंड वॉच योर ब्रीथिंग। वेरी नाइस, वॉच योर ब्रीथिंग। जैसे जैसे आप ब्रीथ करते जा रहे हैं आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। एवरी ब्रीथिंग यू गेट मोर रिलैक्स। वेरी नाइस, यू आर गेटिंग मोर रिलैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, you are getting relaxed and relaxed. All the body weight is going down to the feet. Now your upper body is very light. It's very light. And all the weight goes down to your feet. Your feet are very heavy. It's very heavy. It's very heavy. Your upper body is very light. And your feet are very heavy. It's heavier than whole of your body. Very nice. You can feel the heaviness on your feet. It's getting heavy, heavier and more heavier with every step. You can feel the heaviness. Now I tell you to open your eyes and you try to move your feet. Open your eyes. Open your eyes, try to move your feet. Now close your eyes. Now all the body weight going back to the body. Now at the count of three, you will open your eyes and then you are able to move your feet. One, two, three. Open your eyes. Move your feet. जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि माइंड को हम अगर कोई सजेशन देते हैं तो माइंड उसको फॉलो करता है, चाहे वो कैसा भी सजेशन क्यों ना हो। अगर हमने उस चीज़ को मान लिया तो वो हमारी बॉडी को भी उसी प्रकार के लिए ढाल लेता है एक तरह से, कि आपको वैसे ही काम करना है। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे उन्होंने अपने सब्जेक्ट से कहा था कि आप चाहकर भी अपने पैरों को नहीं हिला सकते, और जैसा कि आपने देखा था वो अपने पैर को नहीं हिला पाए थे। उसके बाद वो दोबारा से उनको कह देती हैं कि अब आप अपने पैरों को हिला सकते हैं, और वो अपने पैरों को नॉर्मली हिला लेते हैं। यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है जब हम इस तरह की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं हिप्नोसिस में, जिसको हम एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा कम्फर्टेबल और रिलैक्स फील कराने के लिए भी, हिप्नोसिस के बारे में अवेयर कराने के लिए ऐसी टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। जो इसमें जब उन्होंने कहा था कि आप अपने पैर नहीं हिला सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर सजेशन परमानेंट हो जाता है।
इसका जो असर रहता है ये टेम्पररी पीरियड के लिए रहता है, क्योंकि ऐसा वो उनके माइंड को बोलते हैं, प्लस जो सब्जेक्ट भी होता है वो इस चीज़ को टेम्पररी पीरियड के लिए ही एक्सेप्ट करता है। हिप्नोसिस का असर परमानेंट तब होता है जब जो सब्जेक्ट होता है उनको पता है इस चीज़ से मेरी जो इमोशनल या फिर मेंटल डेवलपमेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल, जब हम हिप्नोसिस का यूज़ करते हैं कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, फियर रहता है, फोबिया रहता है, यहाँ तक कि अल्कोहल का भी एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, तो इस तरह की जो इश्यूज़ रहते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हिप्नोसिस का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, क्योंकि हमें पता है उससे हमारी ही डेवलपमेंट होनी है। लेकिन जब हम उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे माइंड को पता है इससे लॉन्ग टर्म के लिए मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, मुझसे इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, इसलिए जो वो सजेशन का इम्पैक्ट रहता है वो टेम्परेरी और वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। इसलिए जब उनसे कहा गया था कि आप अपने पैर नहीं हिला सकते हैं तो वो थोड़ी सी देर के लिए ही उनको ये ट्रायल करने के लिए दिया गया था, और कुछ ही सेकंड्स के बाद, मात्र 5-6 सेकंड के बाद उनको कह दिया था कि अब आंखें बंद करो, 1, 2, 3 जब वो बोलते हैं और फिर वो अपने पैर दोबारा से हिलाना शुरू कर देते हैं। तो जो आज की आपने टेक्निक देखी उसमें आपने ये देखा कि हिप्नोसिस के थ्रू हम अगर अपने माइंड को कोई एक चीज़ फॉलो करने के लिए कमांड देते हैं तो हमारा माइंड उसे फॉलो करता है। डिफरेंस इसमें ये रहता है कि माइंड जो सब्जेक्ट होता है वो तभी फॉलो करेगा जब उसमें उनको अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बेनिफिशियल कोई चीज़ उनको दिख रही है। जस्ट किसी दूसरे इंसान ने उनको जो भी करने को बोला वो कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले जो हमारी कॉमन बात रहती है वो यही है कि विलिंगनेस होनी ज़रूरी है, अप्रूवल लेना ज़रूरी है, प्लस हिप्नोसिस के अंदर जो बातें उनसे कही जाती है उनसे अगर उनका खुद से कोई लगता है कि मुझे बेनिफिट होगा तो ही वो उन बातों को फॉलो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए आप हिप्नोसिस को यूज़ क्यों ना करें, चाहे उसको आप क्लिनिकली यूज़ करें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों ना यूज़ करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आज की वीडियो से संबंधित अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट भी अवश्य करिएगा। साथ साथ हिप्नोसिस और साइकोलॉजी की फील्ड में जुड़ी कोई भी अगर ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हम तक पहुँचाइएगा, उसके लिए वीडियो हम जल्द ही जल्द आप लोगों तक लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।